अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद। सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदे स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा बोर्ड की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। मदरसा के शिक्षकों का पेमेंट को लेकर ऑफिशियल लेटर को जारी किया गया। क्या ऑफिशियल लेटर में लिखा हुआ, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि कौन से कैटेगरी के मदरसा के शिक्षकों का पेमेंट जारी होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिस को जारी किया गया है। सचिंदर कुमार जो प्रेषक है, विशेष निदेशक माध्यमिक शिक्षा के शिक्षा विभाग बिहार पटना की तरफ से जारी किया गया। सेवा में जिला के शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, यानी कि ये सारे जिला के पदाधिकारी को ऑर्डर मिला है। मधुबनी जिला के, अररिया जिला, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, सारण, सुपौल, सिवान, सहरसा, वैशाली, समस्तीपुर, भागलपुर, बक्सर, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, रोहतास एवं किशनगंज, यानी कि लगभग 38 जिला में से लगभग 30 से 28 जिला को, जिला के पदाधिकारी को ऑर्डर मिला है। क्या ऑर्डर मिला है देख सकते हैं कि 22/3/2024 को। ये वीडियो जो मैं थोड़ा लेट बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ मसरूफियत की वजह से ये वीडियो को मुझे थोड़ा सा डिले बनाना पड़ा। 22/3/2024 को ही मुझे ये ऑफिशियल लेटर मिल चुका था। यहाँ पे आप देख सकते हैं विषय में SPQEM योजना के अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को बकाया मानदेय का भुगतान वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना मद से स्वीकृत राशि से करने के संबंध में, यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे समझने की कोशिश करना है। SPQEM योजना के अंतर्गत जितने भी शिक्षक बने हैं 2023-24 का, उनका जो पेमेंट रुका हुआ था, आपको पता है कि 2023 और 24 से उनका पेमेंट नहीं मिला था, तो अब जो है पेमेंट को जारी किया जाएगा। ये सारे जिला का, सिर्फ और सिर्फ, इसमें गया जिला मेंशन नहीं किया गया, और भी जिला जिसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो वो सारे जिला का पेमेंट नहीं आएगा, क्योंकि सचिंदर कुमार जो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक है, उनका यही कहना है कि ये सारे जिला के पदाधिकारी को ऑर्डर दिया गया है कि इन सभी जिला के मदरसे का पेमेंट को जारी किया जाए। उसके बाद अब यहाँ पे आगे आप देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि SPQEM योजना के अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को बकाया मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना मद में 9 देख सकते हैं कि करोड़, यानी कि 9,98,00,000 राशि स्वीकृति दी जा रही है। यानी कि सरकार से मांग किया जा रहा है कि मदरसे के शिक्षकों के लिए जो पेमेंट जारी किया जाए वो 9,98,00,000, इतना पेमेंट को जारी करना है सरकार को। उसके बाद बताया ये जा रहा है कि 6.46 करोड़ रुपये की विमुक्ति विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या 2006 दिनांक 22/1/11/2023 एवं अवशेष राशि की विमुक्ति विभागीय विमुक्ति आदेश संख्या 60 दिनांक 24/2/2024 द्वारा प्रदान की गई है। उसके बाद आगे जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताई जा रही है कि SPQEM योजना के अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को बकाया मानदेय का भुगतान करने एवं विभिन्न वादों में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उक्त योजना के अंतर्गत केंद्रदाश की प्रत्याश में राज्य योजना मद से मातृद्वीप परिषद की स्वीकृति उपरांत वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर उक्त राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि वित्त विभाग जो है उसने भी आदेश सुना दिया है कि SPQEM योजना अंतर्गत में जितने भी शिक्षक आते हैं उन सभी का जो शिक्षक का पेमेंट को जारी किया जाए। अब जो है पेमेंट जो है सरकार रिलीज करेगी, कितने रिलीज करेगी पेमेंट, तो यहाँ पे देख सकते हैं 9.98, यानी कि 9,98,00,000 जो है सरकार जारी करेगी, क्योंकि वित्त विभाग ने बाजाबते सरकार को ऑफिशियल लेटर लिखकर दे दिया है कि इतना पैसा की ज़रूरत है 2023-24 में जो मदरसा के शिक्षकों को पेमेंट नहीं मिला है। उसके बाद यहाँ पर आगे देख सकते उक्त राशि का आवंटन
किया जा चुका है, यानी कि आवंटन भी कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष समाप्ति में बहुत कम समय बचा है, लेकिन अब भी बहुत से ऐसे जिले हैं यथा अररिया, किशनगंज, कटिहार, यानी कि पूरा यहाँ पर जिला पर लिखा हुआ। उसके बाद बताया जा रहा है कि सीतामढ़ी एवं औरंगाबाद जिनके द्वारा संबंधित कर्मी की राशि का भुगतान नहीं किया गया, यानी कि ऊपर जो जिला मैंने आपको बताया तो वो सारे जिला का जो पेमेंट को जारी किया जाएगा। उसके बाद कुछ जिला हैं जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि किशनगंज, कटिहार, सिवान, पश्चिम चंपारण, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा, बक्सर, बेगूसराय, वैशाली, पूर्णिया, सीतामढ़ी एवं इन सारे जिला जिनके द्वारा संबंधित कर्मी को राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अररिया एवं पश्चिम चंपारण जिला द्वारा कोई भी राशि खर्च नहीं की गई है, जो खेदजनक है। अत निर्देश है कि आवंटित राशि का नियमानुसार संबंधित कर्मी को सिद्ध भुगतान करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विश्वास भाजन साइन देख सकते हैं 22 सचिंदर कुमार जो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक है, उन्होंने बदाबते 22/3/2024 को ऑफिशियल नोटिस को जारी किया गया था। 17/3/13/24 टाइम भी यहाँ पे पूरा बताया गया। तो अब यहाँ पे समझना होगा, देखिए यहाँ पे बताया ये गया साफ साफ इस वाले ऑफिशियल लेटर में कि मदरसा के शिक्षकों का जो पेमेंट है वो काफ़ी सालों से आपको पता है कि नहीं मिल रहा। तो वित्त विभाग ने भी ऑर्डर दे दिया, सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि कुछ जिला है जिस जिले का यहाँ पे नाम मेंशन किया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे जिला जिनका जो पेमेंट है उसे जारी किया जाए, क्योंकि 2023 और 2024 का बकाया रहा हुआ। तो 23 का भी आपको पेमेंट, जिन असाधा ग्राम को पेमेंट नहीं मिला है उनका पेमेंट को जारी किया जाएगा, और 24 का दोनों मिलाकर 9.98 करोड़ रुपया को जारी किया जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या ऑफिशियल नोटिस जारी की जाती है। जैसी ही ऑफिशियल नोटिस जारी की जाएगी सरकार की तरफ से तो मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जब तक के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मुझे कोई भी अपडेट निकल कर आती है बिहार मदरसा बोर्ड की तरफ से हो बिहार संस्कृत की तरफ से हो, मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करता हूं। क्योंकि आपको पता है कि अभी लगातार मदरसा के शिक्षकों का पेमेंट रोका जा रहा और मदरसा का जो रजिस्ट्रेशन उसे भी रद्द किया जा रहा, यानी कि दिन पे दिन मदरसा के शिक्षकों का जो हालत है बद से बदतर होती जा रही है। क्योंकि सरकार बड़ा बड़ा निर्णय ले रही है, सरकार सभी मदरसे की जांच करवा रही है, अगर जांच में थोड़ा बहुत भी गलती पाई जाती है तो उन सभी मदरसे का रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाता है। और जितने भी असाज़ा किराम हेड मौलवी सदर सिक्योरिटी उस मदरसे में पढ़ा रहे थे सभी मदरसे का जो असाज़ा किराम हेड मौलवी का पेमेंट पर भी रोक लगा दी जा रही है। अब देखना होगा कि सरकार इसको लेकर क्या निर्णय लेती, जैसी कोई भी निर्णय लेगी मैं आपका सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुँचाने की